भगवान श्री राम, अयोध्या के राजा, जहां पर 22 जनवरी को राम मंदिर के दरबार पहली बार खोले जाएंगे। और इस वीडियो में मैं राम मंदिर को बनाने वाला हूं माइनक्राफ्ट के अंदर। मंदिर की नींव रखने से लेकर उसको पूरा करने का सफर देखोगे आज तुम इस वीडियो में। और इसीलिए मैं आ गया हूं अयोध्या में। ओके, मजाक था, मैं अयोध्या में नहीं हूँ। रिसर्च के बाद मेरे को पता चला कि रियल राम मंदिर की ज्यादा क्लिप्स और वीडियोस इंटरनेट पर है नहीं, बट फाइनली देखो मेरे को क्या मिला है। ये राम मंदिर का एक 3D रेंडर है। अगर मेरे पे 3D प्रिंटर होता तो मैं ऐसे प्रिंट करके जरूर दिखाता। मैं तो मैंने राम मंदिर के बेस पर एक ग्रिड लगाई और उसकी मदद से मैंने पॉइंट्स मार्क करे, जिसका एक पॉइंट होगा 4x4 माइनक्राफ्ट क्यूब के बराबर। विद दैट आउट ऑफ द वे, हमारा ब्लू प्रिंट तैयार है। तो फाइनली समय आ गया है पहला ब्लॉक रखकर इसकी नींव स्थापित करने का। ये यहाँ से जितना छोटा लग रहा है, एक्चुअल में इतना छोटा नहीं है। इसके एग्जैक्ट डायमेंशंस है 196 ब्लॉक्स लेंथ में और 120 ब्लॉक्स वाइड है। ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा मेरा डॉटेड ब्लूप्रिंट सही में काम कर गया। विद द बेस डन, वो केवल और केवल 20% था इस प्रोजेक्ट का। राम मंदिर कंप्लीट करने के लिए अभी भी 80% बाकी है। सेकंड लेयर इज अ लॉट मोर मेसी। तुम देख सकते हो इसमें कितने सारे पिलर्स हैं। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाते हैं एंड देन इट्स टाइम पिलर अप। मुझे नहीं पता मैंने इस क्लिप में कितने पिलर्स बनाए, पर जो मेरे कमेंट सेक्शन में बताएगा उसको मेरी तरफ से एक पैरासिटामोल मिलेगी। पैरासिटामोल की बात हो ही रही है तो एक प्यारी सी छत बनाते हैं। छत तैयार हो गई है तो क्यों ना छत पर टिकटॉक बना ली जाए। Oops, hole of shame. Sponsor time. और इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है इस सुअर ने। मैं तो बस ये कह रहा था कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस बिल्ड में बहुत बहुत सारे पिलर्स हैं। Hats off to all the people जिन्होंने सही में इसको बनाया है, इतने सारे पिलर्स को। ये है हमारे मंदिर का मेन एरिया जहाँ पर श्री राम जी की मूर्ति रखी जाएगी। आई एम टायर्ड, यहाँ रात से सुबह हो गई है और अभी तक मेरा बिल्ड और वीडियो कुछ कंप्लीट नहीं हुआ। पर अभी हार मानने का समय नहीं था, क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा था धर्मा इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी डिवाइन बॉर्न। ये मुझे बस इंग्लिश में ही मिला, क्योंकि उस समय पर केवल और केवल संस्कृत का इस्तेमाल किया जाता था। भगवान श्री राम का इस बात से अर्थ था कि धर्म किसी भी वरदान से बड़ा होता है, और इसी तरीके से इस वीडियो को कम्प्लीट करना भी मेरा धर्म है। नो वे, लुक एट इट मैन। इसी के साथ हमारी सेकेंड फ्लोर भी कम्प्लीट हो गई है। The next day. Well, ये है day 2 और अब समय आ चुका है इस बिल्ड के पार्ट 3 का। मंदिर की थर्ड लेयर में काफी सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स थे। मोर ओवर, जहाँ पर हॉल है वहाँ पे सारी डिटेल्स मिसिंग थी। पर क्या हमें कभी भी मुश्किलों ने रोका है? नहीं। ओह, कहाँ चढ़ जाती है। थर्ड लेयर की छत काफी ज्यादा छोटी थी तो उसको बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा, पर उसके ऊपर एक कोन बनाना था उल्टे वाला। विद दैट इस बिल्ड के कुछ फाइनल पिलर्स बाकी थे, और इसी के साथ ही आधी से ज्यादा वीडियो निकल गई और मेरे प्राण भी। ओह, और क्या मैंने तुमको बताया कि मेरा मानसिक संतुलन भी हिल चुका है। सो सेकेंड लेयर कम्प्लीट करने के बाद अब ये फाइनली कुछ कुछ राम मंदिर जैसा तो लग रहा है, पर अभी भी यहाँ पे डॉम गायब है और यहाँ पे भी काफी कुछ बनाना है। So, let's go. मैंने नोटिस किया कि इस बिल्ड में अभी भी राम मंदिर के काफी सारे डॉम्स मिसिंग थे। सो सैटी मैटी फिर से वहां पर आ गया दुनिया को बचाने के लिए और डॉम्स को बनाने के लिए। सुप्रभात दोस्तों, सूर्य उदय हो रहा है और बिल्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट लग रहा है, बट वी आर स्टिल मिसिंग द टॉप डोम। तो देखो, टॉप डोम कुछ ऐसा दिखता है। ओके, ये परफेक्टली ऐसा नहीं। सो इसको ऐसा बनाने के लिए हमको पहले 3 ब्लॉक्स, फिर 3 ब्लॉक्स, फिर 3 ब्लॉक्स, फिर 2 ब्लॉक्स, ऐसे करके ऊपर जाना पड़ेगा। हम एक एक ब्लॉक रख कर ऊपर जाएंगे तो वो कोन बन जाएगा। हमें कोन नहीं चाहिए, हमको चाहिए एक डोम। तो ये है वो डोम जो हमको माइनक्राफ्ट में बनाना है। क्या हर बार पीछे वॉइस ओवर करूँ क्या? ऐसे ही देखो अब इसको। एंड यू नो वॉट, इस डोम के कम्प्लीट होते ही हमारा मंदिर ऑलमोस्ट कम्प्लीट है। बट मंदिर में दिए और लाइट्स कौन लगाएगा? भगवान श्री राम का आगमन कर रहे हैं हम। भगवान श्री राम के आगमन के लिए अयोध्या के राम मंदिर में लाइटें ना हो? नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने पूरे मंदिर में लाइटें भर दी हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, आगे से लेकर पीछे तक, पूरा मंदिर लाइटों से चमक उठा है। मैं इसको जितना ज्यादा देखे जा रहा हूँ, मैं उतना ज्यादा इसकी खूबसूरती में खोता जा रहा हूँ। और अब समय आ गया है, राम मंदिर पूरा फिनिश है। घंटों की मेहनत, वो स्ट्रगल,
मंदिर के क्लिप्स ढूंढने से लेकर मंदिर को पूरा करने तक का सफर। इस आखिरी मोमेंट के लिए पेश करता हूं मैं आप सबके सामने राम मंदिर। राम मंदिर का डाउनलोड लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब।